देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललातपुर सारण में हम लोग हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हो रहा है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर बिहार सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अस्पताल गेट के बाहर इन लोग जाम की हुई है। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, रुक जाइए। किस चीज का विरोध प्रदर्शन चल रहा है? यह विरोध चल रहा है कि चूंकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए ही एफआरएस, क्यों परमानेंट वाले के लिए भी होना चाहिए? ये दो मतलब दोहरी नीति क्यों चली जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट वाले के साथ भेदभाव क्यों, हमेशा भेदभाव। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं आप? यहाँ पे एएनएम है। अच्छा, तो बताइए क्या क्या दिक्कत आप लोगों को हो रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है आप लोगों को? नहीं बनाएंगे, तीन टाइम हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे। जहाँ जाते हैं ना साधन होता है जाने का, ना कुछ। हम लोग का समान काम हम लोग करते हैं, समान वेतन भी मिलना चाहिए। कितना वेतन है अभी आप लोगों का? 15,000 काम इतना करवाया, 4 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा, वेतन मिल भी नहीं रहा है हर महीने? कहाँ से हैं आप? हम मोकामा से हैं। मोकामा से यहाँ पे छपरा जनता बाजार में आती हैं आप? डिस्टेंस तो काफी दूर है आप लोगों के घर का, इसका मतलब। अच्छा, मुंगेर से हैं आप? कितना वेतन की मांग करती हैं आप लोग? 50,000। काम के हिसाब से जितना काम आप लोग करते हैं उतना वेतन नहीं है? उतना नहीं मिलता। 15,000। और वो अभी हर महीने नहीं मिलता है? सबसे ज्यादा लिया जाता है काम। क्या कहिएगा मैडम, किस तरह से आपकी आवाजों को सुना जाएगा, बिहार सरकार तक कैसे बात पहुंचाएगा? हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार इस तरह से बात नहीं मानी तो कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोग? चक्का जाम कीजिएगा रोड का। चलिए, तो आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललातपुर है और यहाँ से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की जा रही है एएनएम लोगों के द्वारा। इन लोगों का कहना है कि हम लोग आगे काम नहीं करेंगे अगर वेतन नहीं बढ़ा, और भी बहुत सारी मांगे हैं। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री को टैग जरूर कीजिएगा, मुख्यमंत्री को भी टैग कीजिएगा, ताकि इनकी मांगों को सुना जाए। क्योंकि ये लोग अगर कदम पीछे खींच लेंगे तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और गड़बड़ हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।